Hello to everyone I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel and today we are going to cover important current affairs of Haryana state third and fourth week of February right So let's begin with the session. The news number one is uh, it's related to electronic vehicle so India ka largest electronic vehicle charging station is that is in Gurugram Haryana right So national highway uh, for electric vehicles, Inaugurated the India's largest electric vehicle charging station in uh, Gurugram, Haryana, uh, recently. Right, so this is a very important ek, uh, progress hai in the Haryana state regarding the electronic vehicle uh, installation or infrastructure. Right, uh, let's talk about a little bit uh, about this news. Earlier, the largest uh, country's largest electronic vehicle charging station was located in Navi, Mumbai. राइट एंड ये जो अभी इंस्टॉलेशन किया गया है दिस इज अ स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन दैट हैज हंड्रेड चार्जिंग पॉइंट्स राइट ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसको इंस्टॉल किया गया है बाय बाय एंड ऑपरेट किया गया है इलेक्ट्रिफाई ये ऑफिशियल कमिश्निंग एंड इंस्टॉलेशन पार्टनर है एन एच ई वी के फॉर सेटिंग अप द चार्जिंग स्टेशन ऑन दिस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे दैट इज जयपुर डेली एंड आगरा ई हाईवे Right, and this whole project is going on under the Ease of Doing Business pilot program. Understood. So this is what the news is. But we are going to talk about little bit about India's aspiration regarding the electric vehicles. Right. So what is what exactly the need for the electric vehicles? Okay, for India. सो वी हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि uh, जो करंट हमारा जो ट्रांजिक्ट्री uh, जा रही है करंट हमारा जो प्रोसेस चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स uh, के रिगार्डिंग वी नो वी आर प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले रीजन इसका बहुत क्लियर है बिकॉज ओबियसली इंडिया इज वन ऑफ दी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एंड वहाँ पे पॉपुलेशन pop, uh, तो है ही है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है राइट वहाँ पर पॉपुलेशन पॉल्यूशन दोनों काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं राइट हमारा जो डिपेंडेंसी है व्हीकल्स के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है पॉपुलेशन ज़्यादा है व्हीकल्स भी ज़्यादा हो रहे हैं एंड एंटायर सिस्टम जो है वो ओवर क्राउडेड हो चुका है सिटीज़ आर ओवर क्राउडेड और देर इज़ ऑलवेज़ अ बॉटल नेक इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक लेवल होता है एक एक लिमिट होती है उसको डेवलप करने की वो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी सिटीज़ में हम लोग अचीव कर चुके हैं सो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नैक जो है एक बहुत बड़ा एक आ चुका है वो लिमिट आ चुकी है और साथ ही साथ ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज रनिंग ऑन द इंपोर्टेड फ्यूल दैट इज एक्सपेंसिव चीज़ें जो चैलेंजेस इंडिया काफी ज्यादा प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग ब्रिंगिंग दी ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन अंडरस्टोडिशन है टू इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इज अ प्रॉमिसिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजी ठीक है सस्टेनेबल ग्लोबल स्ट्रैटेजी है फॉर डी कार्बनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठीक है ताकि कार्बन जो कंट्रोल है कार्बन फुटप्रिंट है उसको लिमिट में लेकर आना एंड यही इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है कि ये जो कार्बन इमिशन हो रहा है इसको कम किया जा सके और आ, इसकी जगह जो है हम ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ठीक है चलो ये तो हो गया इस तरीके से अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया सपोर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल राइट इंडिया इज अमंग हैंडफुल ऑफ कंट्रीज दैट सपोर्ट द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल थर्टी एट द रेट थर्टी कैंपेन इसका मतलब क्या है ये कैंपेन एम करती है टू फॉर द एटलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स जो होगी व्हीकल सेल्स टू बी इलेक्ट्रिक बाय 2030 तो 2030 तक जो है हम लोग थर्टी परसेंट जो होगा जो uh, गाड़ियों की सेल होगी नए व्हीकल्स की सेल होगी दैट शुड बी थर्टी परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडरस्टैंड बाय ट्वेंटी थर्टी सो ये इंडिया का टारगेट है जो इंडिया इसके ऊपर चल रहा है और इंडियाज एडवोकेसी इंडिया ने एडवोकेट किया है फाइव एलिमेंट्स फॉर द क्लाइमेट चेंज ये मस्ट है ये जो पांच एलिमेंट्स है क्लाइमेट चेंज के लिए ये मस्ट है पंच पंचाम के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था इसके इसके बारे में डिस्क्राइब किया था इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 इन द ग्लास ग्रो इन द कमिटमेंट टू ब्रिंग दैट टू लिमिट दैट क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव uh, जो बन रही है सिचुएशंस जिसकी वजह से uh, काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है नेचर के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं जो अगेंस्ट ह्यूमन हो रहा है राइट right? सो so, इसके लिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पंचामृत स्ट्रैटेजी बताई कहाँ पे जो ग्लासगो सी तो ओ पी ट्वेंटी सिक्स हुआ था राइट सो right? so, काफी आइडियाज जो हैं वो ग्लासगो समिट के अंदर हुए थे और इंडिया ने भी इस तरीके से इसको इस आइडिया को प्रमोट किया कि द रिन्यूबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी

इससे क्या होगा कि जो आ, कार्बन इमिशन है वो रिड्यूस हो जाएंगी बाय वन बिलियन टन्स बाय 2030 एंड आगे जाके ये अचीव करेगा 2070 में आ, नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन राइट तो ये इंडिया ने ग्लासगो समिट के सामने ये चीज़ें भी रखी कि इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे हमारी जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसका फिफ्टी अगर आएगा तो ऑब्वियसली ये ये सारी चीज़ें होंगी आगे इन नियर फ्यूचर राइट ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव टेकन द वेरियस वेरियस मेजर्स टू डेवलप द प्रमोट डेवलप एंड प्रोमोट द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम इन द कंट्री सच एज इसके बारे में आपने सुना होगा फेम स्कीम है इसका अभी रिवैम्प्ड हुआ है रिमॉडल ये स्कीम बनी है दोबारा इसे इसको जो है रिस्ट्रक्चर किया है इसका मतलब क्या है इट इज़ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको खरीदें इनको यूज़ करें इनका मैनुफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए ये फेम स्कीम जो है इसको Uh, पहले ये शुरू हुई थी अब दोबारा से इसको रीमॉडल रीस्ट्रक्चर करके इसको बेटर uh, बनाया गया है इसके अलावा हम लोग बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द एडवांस केमिस्ट्री सेल फॉर सप्लायर साइड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द रिसेंटली लॉन्च पी एल आई स्कीम फॉर ऑटो एंड ऑटोमोटिव मोटिव फॉर मैनुफेक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अंडरस्टैंड सो दिस दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर चुकी है क्लियर हो गया चलो अब ये न्यूज़ खत्म है अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं रिसेंटली ऑन दिफ्टी थर्ड फाउंडेशन डे फिफ्टी थर्ड फाउंडेशन डे किसका था चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि है हिसार के अंदर सो so, वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के जिनका नाम है प्रोफेसर बी आर कम्बोज इन्होंने फाउंडेशन uh, स्टोन रखा है किसका एक्वा कल्चर सिस्टम का जो कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है ठीक है सो so, हम लोग इसकी टेक्निक्स को भी समझेंगे राइट सो लेट्स बिगिन लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कल्चर सिस्टम इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं एक टेक्निक से फिश uh, फार्मिंग को बहुत अच्छे से और बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ लैंड आप उतने ही लिमिटेड uh, पानी और लिमिटेड लैंड का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा फिश फार्मिंग आप कर सकते हैं ये सिस्टम जो है इस टेक्निक के थ्रू ऑब्वियसली uh, जो फिश फार्मिंग होगा उसको और ज़्यादा प्रमोशन होगा राइट चलो इसके अंदर होगा क्या इसके अंदर ये होगा कि ये जो री सर्कुलेटरिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है दैट इज़ आर एस इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इट इज़ अ टेक्नोलॉजी जो रिलाई करती है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन री सर्कुलेशन एंड री यूज यूज ऑफ वाटर तो जो भी कंटामिनेटेड वाटर होगा फ़िश फार्मिंग के दौरान जो कंटामिनेट हो जाता है पानी उसको जो है बायो फिल्टर टैंक्स के अंदर रख डाल दिया जाएगा एंड ये बायोफ़िल्टर टैंक्स क्या करेंगे ये फ़िल्टर करेंगे और वापस भेज देंगे फ़िश टैंक के अंदर एक वाटर को जो कि दोबारा से रीयूज किया जा सकता है अच्छा ये जो टैंक है ये इस सिस्टम में जो फिश प्रोडक्शन होती है दैट कैन बी टेकन इन लेस स्पेस ऑल्सो ठीक है तो वाटर का तो आप बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो उसको बार बार री यूज कर रहे हो एट द सेम टाइम यू आर यू आर यूजिंग द एरिया ऑल्सो वेरी लिमिटेड एरिया राइट सो इट्स अ लेस स्पेस इन द रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टैंक ठीक है तो इस तरीके का टैंक होगा रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टैंक होगा ठीक है इस ओकेजन में वाइस चांसलर प्रोफेसर बी आर ही स्ट्रेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंप्लीमेंट मोर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज राइट स्कीम्स एंड टू मेक नेचुरल फार्मिंग मोर पॉपुलर राइट सो वी ऑल नो दैट वी वी हैव दिस एम्बिशन इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका ये एम्बिशन है टू मेक इंडिया अ फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाई ट्वेंटी ठीक है एंड इस एम्बिशन uh, इस को पूरा करने के लिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए अ लॉर्ड ऑफ एम्फोसिस हैज़ बीन गिवन ऑन द फार्मर्स और फार्मर्स की इनकम को डबल करने का बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं अब फार्मर्स की इनकम जो है फार्मर फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करने के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और हॉर्टिकल्चर है फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक फार्मिंग है ये सारे कैटेगरी की जो ये सेक्टर है इस सेक्टर में अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनकी आ, इनकम को और सप्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो फिश फार्मर है उसको और ज़्यादा वो कम पानी का इस्तेमाल करके कम लैंड का इस्तेमाल करके अच्छे से अपनी फार्मिंग कर सकता है राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सो ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इट इज़ ऑन जनवरी ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी फोर्थ को सेलिब्रेट uh, किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ऑनर्ड सिक्सटी वन चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक वर्चुअल सेरेमनी हुई एंड दिस सेरेमनी वॉज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव ठीक है जो हम लोग आज़ादी के पिछहत्तर साल मना रहे हैं सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस uh, के अंडर ही इसको सेलिब्रेट किया गया जिसमें कमाल की बात यह है कि हरियाणा के भी दो बच्चे हैं इन सिक्सटी वन स्टूडेंट्स में से इन बच्चों में से हरियाणा के भी दो बच्चे हैं जिनको ये अवार्ड मिला अंडरस्टूड चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कि दिस ईयर द वॉडी इंक्लूड फिफ्टीन बॉयज़ फोर्टीन गर्ल्स फ्रॉम ट्वेंटी वन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और अलग अलग कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली उनका सिलेक्शन हुआ कैटेगरी ऑफ इनोवेशन सोशल सर्विसेज में किसी ने परफॉर्म किया एजुकेशनल कैटेगरी में स्पोर्ट्स कैटेगरी आर्ट्स एंड कल्चर में एंड गैलेंट्री कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया एंड देन दे कॉट दिस अवार्ड राइट सो ये जो प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड है जैसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी कहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ठीक है सो so, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है दे दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड हर साल एंड हर अवार्डी को इज प्रेजेंटेड विद द मेडल अ कैश प्राइज ऑफ वन लैक एंड अ सर्टिफिकेट राइट तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा ये पॉसिबली कई बार आपके पास सवाल पूछ लिया जाता है क्या फीचर्स ऑफ नेशनल दिस फीचर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राइट सो हरियाणा हैज टू चिल्ड्रेन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रेन अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फर्स्ट वन इज तनिश सेठी जो कि है इनोवेशन कैटेगरी के अंदर सेकेंड वन इज आकर्ष कौशल जो कि है सोशल सर्विसेज के अंदर ठीक है तो ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं इवन एट वॉट एवर द एग्जाम इट इज हरियाणा का चाहे वो आपका ये स्टेट हरियाणा का हो स्टेट सिविल सर्विसेज हरियाणा हो वदर इट इज़ एनी एनी वन डे एग्जाम ऑफ हरियाणा दीज टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ठीक है ठीक है सो so, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज़ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एंड रिसेंटली ये जो स्कीम है इसमें यह स्कीम पहले से ही चल रही थी बट इसमें थोड़ा सा अप्रूवल रिवाइज अप्रूवल मतलब इसको फाइनेंशियल जो है और अप्रूव किया गया है फाइनेंशियली इसको और स्ट्रेंदन किया गया है इस स्कीम को ताकि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाए सो वॉज गिवन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना राइट अब देखिए इसमें क्या है लेट्स टॉक अबाउट दिस अंडर दिस स्कीम एन अमाउंट ऑफ टू सेवेंटी 0.84 करोड़ वॉज रिलीज टू दिस मच ऑफ़ फैमिलीज ड्यूरिंग 2019 एंड 2020 ट्वेंटी 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 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिकलेन एज पर द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल इस स्कीम का एक पोर्टल भी है स्कीम का एक पोर्टल भी है और यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए उस बेसिस पे जो है इनको इतना बेनिफिट दिया गया है इस स्कीम के अंदर क्या है कि रिसोर्स एक सिटीजन का रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है ठीक है जो प्रोवाइड करेगा वेरीफाइड डेटा ऑफ फैमिलीज़ हुज़ फैमिली इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 1.80 पॉइंट पर एनम एंड हु हैव परिवार पहचान पत्र आइडेंटिफिकेशन नंबर राइट एलिजिबल बेनिफिशरीज विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बाय सी आर आई डी दैट इज सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट राइट सो ये डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि आ, जो भी बेनिफिशरी है वो आ, वो हकदार है कि नहीं इज इट एलिजिबल और नॉट इज ही एलिजिबल और नॉट राइट और ये स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है जिस बेसिस पे देखा जाएगा कि ये इस लाइन पे आता है कि नहीं आता राइट right? चलो नेक्स्ट इज इस स्कीम के अंदर जो है जितना भी एलिजिबल बेनिफिशियरी होगा दैट एलिजिबल बेनिफिशरी विल बी इंटाइटल टू गेट द बेनिफिट ऑफ फाइव सेंट्रल स्कीम्स नेमली कौन कौन से उसको बेनिफिट मिलने वाले हैं पाँच सेंट्रल सेंट्रल स्कीम्स है उस उनके बेनिफिट मिलेंगे इस स्कीम uh, के द्वारा दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान मंधान योजना देन श्रम योगी uh, मंधान एंड लास्ट इज़ लघु व्यापार मंधान पेंशन योजना फॉर एन अमाउंट ऑफ सिक्स थाउजेंड पर मंथ पर फैमिली ठीक है सो अंडर दिस पर्टिकुलर ये जो स्कीम है राइट दिस दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशरी दे विल बी इंटाइटल टू गेट द बेनिफिट ऑफ फाइव सेंट्रल स्कीम्स ऑल्सो राइट चलिए और छः हजार का आपको सम शॉर्ट दिया जाएगा ठीक है टू ऑल दी अबव स्कीम्स एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशरी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हरियाणा का एंटी कन्वर्जन बिल हरियाणा एंटी कन्वर्जन बिल जो अभी पास किया गया है और इस बिल का नाम क्या है इट इज़ हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022 ठीक है इस uh, बिल के हिसाब से या uh, बिल को जो सपोर्ट uh, कर रही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हिसाब से द बिल इज़ एम टू प्रिवेंट द रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू फोर्स तो आपका जो रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है कि आपको अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है नॉट मैंडेटरी कि बाइस वर्षा भी हो सकता है मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो इसको जो फोर्सफुल है उसको रोकने का काम जो है ये बिल करने वाला है ठीक है तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऑब्वियसली अब आ, ये बिल मेक श्योर करेगा कि कोई भी तरीके से जैसे फोर्सफुली या फ्रॉडुलेंट मेथड से या एलोमेंट से कोई आपको वो कर दिया वाइट ब्रेन वॉश कर दिया आपका या अंडर किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती आपके साथ आपका आ, रिलीजन परिवर्तन या रिलीजस आ, आ, आप जिसे कहते हैं ना कन्वर्जन ना किया जा सके ऐसा बिल जो है वो पहले भी आ चुका है हरियाणा में नहीं आया बट उत्तर प्रदेश में आया है एंड हिमाचल प्रदेश में भी आया है एंड दिस बिल वाज फर्स्ट टेबल्ड ऑन फोर्थ मार्च इट वाज फर्स्ट टेबल्ड ऑन फोर्थ मार्च

तो तब ये बिल जो है काम आएगा उसके बचाव के लिए राइट right? सो so, uh, इसमें है क्या क्या इसमें अगर कोई इंसान इस तरीके से पकड़ रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल हुआ इस काम के लिए सो so उसको इम्प्रजनमेंट मिलेगी एक से लेके पाँच साल तक एंड मिनिमम फ़ाइन ऑफ वन लाख विल बी मेड एप्लीकेबल टू हिम राइट तो यहाँ पे uh, आपको पनिशमेंट मिलेगी एक से पाँच साल और एक लाख का भरना पड़ेगा आपको मिनिमम फ़ाइन अब बिल स्टेट्स दैर हुए एवर अटेम्प टू कन्वर्ट अ वुमेन माइनर और अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट देन दैट पर्सन विल बी हैंडेड आउट फॉर अ पनिशमेंट उसको पनिशमेंट मिलेगी और ये जो पनिशमेंट है मैंने आपको बता दिया एक साल से लेके पाँच साल तक हो सकती है दस साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है मिनिमम फाइन एक लाख है इसको आगे जाके और ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है और ज़्यादा फाइन मिल सकता है लग सकता है ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज़ क्लास आई होप यू इंजॉय दिस सेशन हमने कवर किया है एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर सेशन्स लाइक दिस फॉर योर करंट अफेयर्स यू नो करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो एज आपको देती है सो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि यू क्लियर योर एग्जाम आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू